की पूजा होती है हमारे समाज में। धर्मो रक्षिता, रक्षिता के भाव से चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सनातनी अगर धर्म की बात करता है, देश की बात करता है, देश की रक्षा की बात करता है, तो हम सांप्रदायिक हो गए। इसका स्पष्ट रूप से पता चलता है कि नेहरू जी ने किन परिस्थितियों में कि धर्मो रक्षिता, रक्षिता के भाव से बने हुए इस समाज में विश्वास करते हैं और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की परंपराओं पर गर्व करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज 24 देख रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जो लगातार कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड का जो फैसला है वो जो है निरस्त कर दिया जाए, वो जो लगातार जिस तरीके से वो कहते हैं कि जमीन हमारा है, उसके बाद जिनका जमीन होता है उनको जो है साबित करने में पुश्तों जो है लग जाती है। ऐसे में हम लोग बातचीत करेंगे, हमारे साथ सुमित सतांक है जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, काफ़ी अच्छा बोलते हैं, तेज़तर्रार भी हैं, इनकी बातों में जो है दमदार बातें भी निकलती है। क्या लग रहा है कि वक्फ वोट के लिए जो आप लोग जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्या लग रहा है सचमुच में इस तरीके का होना चाहिए क्या? देखिए, देश में कांग्रेस के शासनकाल से ही सबसे बड़ा अगर कोई स्कैम है ना, तो ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। इन लोगों ने देश में कहीं ना कहीं देश के संसाधनों को कब्जा करने के लिए इस प्रकार का एजेंडा चलाया है। ये कांग्रेस शासित और कांग्रेस प्रायोजित एजेंडा है। एक तरीके से आप वक्फ बोर्ड को या फिर इस तरीके की जो चीज़ें हैं इनको ऐसे लोगों के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। देश को कहीं ना कहीं खंडित करने की बात करने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वाले लोग, इन लोगों ने देश के संसाधनों को लूटना चाहा, देश के संसाधनों पे कब्जा करना चाहा। अगर इसे आज़ादी दिलाने के लिए और ख़ास करके संवैधानिक दायरे में रहते हुए सबके लिए काम करने की बात करने वाले लोग, सर्व समाज के लिए काम करने वाले लोग, अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़कर सबको समान भाव से देश में और देश के जो लोग हैं उनको देश के संसाधनों पर हक दिलाने की बात करता है तो गलत क्या है? जो सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है तो कहाँ सवाल खड़ा होता है कि इस तरीके का घटना सामने आया है या कुछ आप लोग बदलाव चाहते हैं, आप लोग मुस्लिम विरोधी हैं? देखिए, कौन सा वक्त बोर्ड सरकार के द्वारा चलाया जाता है भैया, ये भी तो बताइए। और रही बात कि आपने सीधा कह दिया, सीधा आरोप लगा दिया कि हम मुस्लिम विरोधी हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कभी आरोप लगाया है क्या कांग्रेस पर कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है? कभी आरोप नहीं लगाया। 100 करोड़ से भी ज़्यादा देश में आबादी हिंदुओं की है, उनको बांटा जाता है अगड़ों में, पिछड़ों में, ओबीसी में, SC ST में, दलित में, महादलित में। क्यों? हिंदू मतलब हिंदू, और सभी भगवान श्री रामचंद्र की पूजा करते हैं, सभी कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा होती है हमारे समाज में। धर्मो रक्षिता, रक्षिता के भाव से चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सनातनी अगर धर्म की बात करता है, देश की बात करता है, देश की रक्षा की बात करता है, तो हम सांप्रदायिक हो गए। यही मैं पूछना चाहता हूँ ना, मदरसा में बैठ करके बम बनाने वाले जो लोग हैं और मदरसा में बैठ करके जो एक तरीके से समाज को संप्रदाय और आतंक की आग में झोंकने वाले जो लोग हैं उनके गोद में बैठ करके कांग्रेस बात करती है, वैसे लोगों को प्रसरा देती है, वैसे लोगों को बढ़ाने की बात करती है, जब इनसे, राहुल गांधी से इनकी जाति पूछ ली जाती है तो अचंभे हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सबकी जाति पूछते हैं ना। आप मुझसे अगर कड़े प्रश्न पूछें और उन प्रश्नों के बाद सबसे पहले मैं आपकी जाति पूछूं तो आपको कैसा लगेगा? पत्रकारों की जाति पूछते हैं वो, किसानों की जाति पूछते हैं, IAS अधिकारियों की जाति पूछते हैं, स्टूडेंट्स की जाति पूछते हैं। तो बता दो भैया, आप किस जाति से आते हो, किस मैथमेटिकल फॉर्मूला से आप हिंदू हैं, ये भी बता दीजिए। गंगाधर नेहरू इनके दादाजी के दादाजी थे, जो कि इनके दादाजी ने बताया था 1857 में, दिल्ली के कोतवाल थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की आर्काइव्स तो नहीं बताती है कि ऐसा कोई व्यक्ति था, और इंडियन आर्काइव्स
भारत सरकार की जो आर्काइव्स है वहाँ ऐसा कोई डाटा उपलब्ध ही नहीं है। और द लास्ट मुगल पुस्तक में बताया गया है और इंडियन आर्काइव्स के डाटा से पता चला है कि 1857 में और 1857 से पहले, यानी अंतिम कोतवाल से पूर्व भी कोई भी हिंदू वहाँ कोतवाल ही नहीं था। तो इसका स्पष्ट रूप से पता चलता है कि नेहरू जी ने किन परिस्थितियों में झूठ कहा, ये तो वही बताएंगे और उनके जो परिवार से आने वाले जो लोग हैं उनको बताना चाहिए। प्रश्न किसके ऊपर खड़ा होता है? राहुल जी के ऊपर खड़ा होता है ना। क्यों हिंदुओं को बार बार कटघरे में खड़ा किया जाता है? क्यों बार बार हिंदू मंदिरों पे उसकी धार्मिक आस्था पे चोट पहुंचाई जाती है? क्यों हर बार हिंदुओं को ही मार करके मंदिरों के आगे टांगने की बात होती है? हम तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। लेकिन बीजेपी जो केंद्र में आई थी पहली बार, तो वो हिंदुत्व को लेकर ही आई थी। आप लोग हिंदुत्व को बरकरार रखेंगे जिस तरीके से, और आप लोगों के ऊपर जो आरोप लगता रहा है कि आप लोग मुस्लिम विरोधी हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ नहीं करते हैं, क्या सचमुच में आप हिंदुत्व को ही मानते हैं? बाकी बात मुस्लिम समुदाय हो गए या किसी अन्य जाति से जो लोग आते हैं उनको नहीं मानते हैं, उनको बढ़ावा नहीं देते हैं आप लोग? देखिए, हम हिंदुत्व को सीना ठोक के कहते हैं कि धर्मो रक्षित रक्षिता के भाव से बने हुए इस समाज में विश्वास करते हैं और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की परंपराओं पर गर्व करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पदचिन्हों का अनुसरण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पदचिन्हों का अनुसरण करते हैं, ये गर्व से कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ देशवासियों से, इस्लाम की जो तरीके हैं, उन तरीकों में, उन पद्धतियों के अनुसार ट्रिपल तलाक दूसरे देशों में तो जायज नहीं था। आज देश में अगर ट्रिपल तलाक से अगर मुस्लिम माताओं बहनों को आज़ादी दिलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, इन लोगों ने इस्लामिक शिक्षा के नाम पे कांग्रेस ने मदरसा खोला, लेकिन 6,667 मदरसा हवा में चल रहे हैं और मुसलमानों के नाम पे पैसा उठा करके ये कांग्रेस के नेता, ये मौलवी, ये कहीं ना कहीं जो दलाली खा रहे हैं कांग्रेस के जो नेता हैं, तो इस पर बात नहीं होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। मुसलमानों का अधिकार कौन छीनता है? ये कांग्रेस पार्टी छीनती है ना। वर्षों से मुसलमान उपेक्षित क्यों हैं? ये भी तो मुसलमानों को जाकर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए। कभी किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? अगर मुस्लिम माताओं बहनों को आज़ादी दिलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, इन लोगों ने इस्लामिक शिक्षा के नाम पे कांग्रेस ने मदरसा खोला, लेकिन 6,667 मदरसा हवा में चल रहे हैं और मुसलमानों के नाम पे पैसा उठा करके ये कांग्रेस के नेता, ये मौलवी, ये कहीं ना कहीं जो दलाली खा रहे हैं कांग्रेस के जो नेता हैं, तो इस पर बात नहीं होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। मुसलमानों का अधिकार कौन छीनता है? ये कांग्रेस पार्टी छीनती है ना। वर्षों से मुसलमान उपेक्षित क्यों हैं? ये भी तो मुसलमानों को जाकर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए। कभी किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया इन्होंने, ये बताए ना। भारतीय जनता पार्टी ने तो राष्ट्रपति बनाने में मदद की ना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? गांधी नेहरू परिवार को छोड़ करके या फिर उनके छोट भाइयों को छोड़ करके, चरण वंदना करने वालों को छोड़ करके, कभी कोई कांग्रेस में मुखिया क्यों नहीं बनता? राजद में मुखिया क्यों नहीं बनता? तो इस प्रकार के लोगों की बात होगी। और जनसामान्य से आने वाले लोग जो हैं, जो किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, उनकी कभी बात नहीं होगी क्या? और इस तरीके से बोलता हूं तो लोग कहते हैं कि आग उगलते हैं। मैं तो सच बोलता हूं ना। ये मातृभूमि हमारी है, ये देश हमारा है और देश में 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू रहते हैं। अगर उनकी धार्मिक आस्था की रक्षा की बात करते हैं और करता हूँ, तो गलत क्या करता हूँ? बक ओवरडू वाला जो फैसला आप लोग कह रहे हैं कि वो लागू करना चाहिए, उसको निरस्त करना चाहिए, ये क्या लागू करेंगे आप लोग? देखिए, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत चीज़ें हैं, कानून जो है वो निश्चित रूप से सही फैसला देगा और आगे चल के आपको सही फैसला देश में दिखने वाला है। देश के लिए अगर सबसे बड़ा खतरा अगर कुछ है, तो ये देश का स्लो धार्मिकरण है। देश
सनातन पद्धति पे बसा हुआ है, लेकिन भारतीय संविधान कहता है कि सबके धर्म का सम्मान, लेकिन हिंदुओं का अपमान क्यों करते हैं ये लोग? हिंदू धर्म से आने वाले जो धर्म गुरु हैं उनका अपमान क्यों करते हैं ये लोग, ये भी तो बता दें। लेकिन सबसे ज़्यादा तो आरोप आप पे लगता रहा है ना कि आप लोग हिंदू मुस्लिम सबसे ज़्यादा करते हैं, बांटने का काम आप लोग करते हैं। देखिए, जिसको आरोप लगाना है लगाए, अगर उनको ऐसा लगता है तो उनको लगे, हम क्यों सफाई दें? सफाई हम क्यों दें? हमें सफाई नहीं देना है। आप अगर कहते हैं कि हम हिंदूवादी हैं, हिंदुत्व के समर्थक हैं, तो हैं, निश्चित रूप से हम हिंदुत्व के समर्थक हैं। देश में इससे बड़ा और इससे शुभ और क्या हो सकता है कि गगन में लहरता है भगवा हमारा, और हम बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को देश से निकालने की बात करते हैं तो गलत क्या करते हैं? आपने बांग्लादेश में देखा ना, ये उपद्रवी तत्वों ने क्या किया। तो ऐसे ही उपद्रवी तत्वों को गोद में बैठाने की बात करने वाले जो लोग हैं, और ऐसे ही लोगों को जो लोग पालेंगे, तो एक कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे। तो राहुल गांधी को समय आने पे ये लोग सबक सिखाएंगे, देश के लिए खतरा है। सुमित जी, बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में जिस तरीके से लूटपाट की घटना घट रही है, क्या लगता है कल भी जो है बैंक की लूटपाट की गई है, भारी मात्रा में पैसा भी लूट ली गई है, क्या लग रहा है कि आप लोगों का प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो गई है, आप लोगों की सरकार कमजोर पड़ गई है? देखिए, संगठित अपराध और गैर संगठित अपराध, इन दोनों में बहुत फर्क होता है, मैंने बार बार बताया है। बिहार में संगठित अपराध तब होता है जब लालू जी का काल रहता है। और फिर अंकुश क्यों नहीं लगा? और आज के समय में अगर आपराधिक घटनाएं होती हैं तो चीजें आपको तुरंत पता चलती हैं और तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। ये कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार है, कार्रवाई तो होना है, जो अपराध करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होना है, और कार्रवाई हो रही है। मनोबल तो बढ़ा हुआ है ना सर? बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले जो है तनिष्क वाला घटना देखा, उसके बाद कल जो है पटना में ही बैंक लूट लिया जाता है। लेकिन मनोबल बढ़ेगा तो मनोबल टूटेगा भी और मनोबल तोड़ेंगे भी। ये सुशासन की सरकार है, अपराधियों और गुंडों की सरकार नहीं है। जब अपराधियों और गुंडों की सरकार थी तो अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ था। अगर कोई व्यक्ति गैर संगठित अपराध या फिर उसको संगठित अपराध में प्रारूप देने का काम करेगा तो कहीं ना कहीं उसको भुगतना पड़ेगा। और आप लोग इन प्रक्रियाओं पर जो है ठोस कदम सरकार क्यों नहीं उठा रही है, प्रशासनिक व्यवस्था सर ठोस कदम क्यों नहीं उठाती ताकि इस तरीके का घटना जो है लगातार जो होती रही है इस पर अंकुश लग जाए? लेकिन मुझे लगता है कि आपको बिहार के प्रत्येक थाने में जाना चाहिए और वहाँ पे जो रिकॉर्ड्स उनकी जांच करनी चाहिए, और 2005 के पहले जो क्राइम का जो रिकॉर्ड रहा है उसको देखना चाहिए और उसके बाद के क्राइम रिकॉर्ड्स की जांच करनी चाहिए। निश्चित रूप से चीज़ें काफ़ी परिवर्तनशील हैं। आज माताएं बहनें सड़कों पे सामान्य रूप से अपने काम के लिए जा सकती हैं और कहीं ना कहीं बाजार से सब्जी खरीदने या फिर विभिन्न चीज़ों सभी लोग खुशीपूर्वक जाते हैं। लेकिन अगर गैर संगठित अपराध, बार बार मैं कहता हूं कि होता है, तो निश्चित रूप से इस माइंडसेट को भी समाप्त करने का काम करेंगे। और गैर संगठित अपराध करने वाले जो लोग हैं अथवा संगठित अपराध में अगर कोई व्यक्ति लिप्त रहने का काम करता है तो कड़ी कार्रवाई करने का काम बिहार की सरकार लगातार कर रही है। आप देखेंगे आने वाले समय में थोड़ा सा नकेल और कसना है, उसके बाद ये सभी टाइट हो जाएंगे। ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित ससांग, जिनको आप सुन रहे थे। वीडियो को देखकर आप लोगों के मन में क्या विचार आता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सहयोगी अंकित के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।